हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति मोन। फ्रेंड्स, आज मैंने लेके आई हूँ एक टिप्स वाला वीडियो जो शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके पास जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के साथ आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिसके ऊपर मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल एंड दिस इज माय एलोवेरा जेल एंड इट्स पतंजलि एलोवेरा जेल एंड इट्स माय फेवरेट प्रोडक्ट है। इसे मैं 1 ईयर हो गया है यूज कर रही हूँ कंटिन्यूसली। तो इसे मैं डिफरेंट तरीके से यूज करती हूँ, तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे कैसे मैं इसे यूज करती हूँ। सो फर्स्ट जिस तरीके से मैं इसे यूज करती हूँ वो है एज अ मेकअप रिमूवर। तो मैं मेकअप को रिमूव करने के लिए मेरे मुंह से मैं कभी भी क्लेंजर और मेकअप रिमूवर भी नहीं यूज करती हूँ, इसे ही हमेशा यूज करती हूँ। एंड कैसे करती हूँ वो है, एट फर्स्ट मैं मेरे फेस पे रोज वाटर स्प्रे कर लेती हूँ मेकअप के ऊपर एंड दिस इज माई खुद की बनाई हुई घर में रोज वाटर, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो इसे मैं स्प्रे कर लेती हूँ। देन मैं मेरे डिजायर अमाउंट में जेल को लेती हूँ, फेस पे मसाज करती हूँ मेकअप के ऊपर, देन कॉटन से क्लीन अप कर देती हूँ। ये मैं 2 बार रिपीट करती हूँ, फर्स्ट टाइम करके सेकेंड टाइम इस तरीके से ही इसे अप्लाई करती हूँ, देन अगेन कॉटन से मैं इसे क्लीन अप कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से हमारे फेस में जो मेकअप होती है बहुत अच्छे से क्लीन अप कर देता है। तो सेकेंड जो मैं इसे यूज करती हूँ एज अ मेकअप प्राइमर, तो मेरे पास मेकअप प्राइमर तो है लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम एलोवेरा जेल को ही यूज करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है एंड एलोवेरा तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसे यूज करती हूँ एज अ मेकअप प्राइमर। मेकअप से पहले फेस में मैं एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लेती हूँ और ये मेकअप को इस जेल मतलब एलोवेरा जेल मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है गाइस, बिलीव मी। तो मैं इसे एज अ मेकअप प्राइमर यूज करती हूँ। सो थर्ड जो मैं इसे यूज करती हूँ वो है एज अ नाइट क्रीम। मैं नाइट क्रीम की जगह एलोवेरा जेल की भी यूज करती हूँ नाइट में, रात में सोने से पहले, और ये बहुत अच्छी से मेरे हमारे स्किन को नरिश करता है एंड एलोवेरा के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो रात में जब आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हो तो हमारा स्किन बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ले पाती है, तो एज अ नाइट क्रीम एलोवेरा जेल इज बेस्ट। फोर्थ जो है, मैं इसे अंडर आईज क्रीम की तरह यूज करती हूँ। मेरे अंडर आईज में बहुत सारे डार्क सर्कल्स है तो मैं अंडर आईज में इसे यूज करती हूँ वैसलिन के साथ। वैसलिन जेली को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अंडर आईज पे लगा के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसे मसाज करती हूँ एंड होल नाइट के लिए छोड़ देती हूँ। अंडर आईज में जिसको डार्क सर्कल होती है, पफिनेस होती है, अंडर आईज में जिसको रिंकल होती है, उसके लिए एलोवेरा जेल इज बेस्ट ऑप्शन। महंगी वाली कुछ अंडर आईज क्रीम खरीदने नहीं पड़ती है एलोवेरा जेल अगर आपके पास हो तो। नेक्स्ट जो है, मैं इसे यूज करती हूँ एज अ हेयर जेल। मेरा बहुत फ्रिजी हेयर है तो मैं जब घर से निकलती हूँ तब मैं एलोवेरा जेल को लेके इस तरीके से लेके हल्को हाथों से हेयर पे ऐसे अप्लाई करती हूँ, इससे मेरा फ्रिजीनेस बिल्कुल गायब हो जाती है। एंड सेकेंड जो करती हूँ, एलोवेरा जेल को थोड़ा अमाउंट पे लेके मैं जब बैक और साइड बन बनाती हूँ ना, तो मैं मेरे साइड का हेयर को कर्ल करना चाहती हूँ तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक्स कर्लिंग नहीं है, तो मैं ऐसे करती हूँ हेयर पे एलोवेरा जेल को ऐसे लेके फिंगर की हेल्प से हेयर को रोलिंग करती हूँ एंड इसे छोड़ देती हूँ इस तरीके से। इसे आपको
होल्ड करना पड़ेगा 30 to 60 सेकेंड तक, देन ये आपको हेयर को बहुत अच्छा से कर्ल कर देती है, एंड इस कर्लिंग बहुत लंबे समय तक लास्टिंग करती है। तो मेल के लिए मेरे पास एक टिप है, जो लोग हेयर जेल आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल होती है, तो आप एलोवेरा जेल को एज ए हेयर जेल यूज़ करते हो एंड आपका डिज़ायर जो हेयर स्टाइल है वो भी कर सकते हो। ये था मेरा मेल के लिए एक टिप। तो फ्रेंड्स दैट्स इट माय अबाउट ऑल अबाउट माय एलोवेरा जेल। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, अगर हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट भी कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना पड़ेगी रेड कलर की बटन को प्रेस, एंड ये बिल्कुल फ्री है, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के साथ आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।